नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो है उसमें गौतम गंभीर के बारे में टिप्पणियाँ की गई हैं पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे, उसी के बारे में ये वीडियो है। और इसमें काफ़ी मेरे को लगता है कि काफ़ी पैनलिस्ट जो हैं उनको गौतम गंभीर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बोल गए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इंडिया में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लगभग 500 के आसपास लोकसभा में है और 200-250 राज्यसभा में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया के लिए। और गौतम गंभीर बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो समाज के लिए बहुत काम करते हैं। उनका 1 रुपया जो खाना देने की स्कीम है, थाली है, वो दिल्ली में लगभग 1,000 लोगों को रोज़ डेली खाना खिलाते हैं 1 रुपये की थाली देकर। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सोशली बहुत अवेयर है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं कि उनकी दुकान ख़त्म हो गई है, छोटा सा आदमी है, टुच्चा है, ये एक बिल्कुल गलत है। शायद उनको मालूम नहीं है कि गौतम गंभीर क्या है। और IPL में भी वो अपनी जो है कमेंट्री करते हैं, अभी वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री कर रहे हैं, हिंदी कमेंट्री करते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो खैर एक बार सुन के देखें। और ये कमेंट्रीज कभी कभी बहुत लंबी चलती हैं, इसलिए कभी कभी आदमी थक भी जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि उन्होंने जब विराट कोहली ने जब मैच जितवाया तो उस समय वो बिल्कुल सुस्त दिखे थे। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश नहीं है विराट कोहली की बैटिंग से या इंडिया के जीतने से। तो इतना ही मेरा कहना था इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल इनको सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। और इन सब के लिए आपका जो भी प्यार आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। गौतम गंभीर ने जो बोला, ये खुदगर्ज कैप्टन है। इससे पहले उन्होंने कोहली को बोला, अब उन्होंने बाबर आजम को बोल दिया कि टीम के आप जो है वो पहले सोचें, अपने आप को बाद में सोचें। देखिए यार, गंभीर ने कहीं ये नहीं कहा हुआ कि T20 का खुदगर्ज कप्तान है, ठीक है, जबकि विराट के लिए उसने कहा आपने था। ब्रॉडर एक्सपेक्ट में लेगा चीज, मैं आपको बता रहा हूँ ना, विराट कोहली के लिए उसने कहा था कि आप इन्हें तो कहा था पहले, इन्हें तो डायरेक्ट फोन किया, मुझे तो पता है ना, मैंने तो इससे पूछ के बोला हुआ, मेरे लिए तो 1 साल पुरानी स्टोरी है ना, मैं तो 1 साल पहले इस पर बात कर चुका हूँ कि विराट के लिए उन्होंने जो बात करी थी बड़ी स्पेसिफिक थी कि आप T20 की कप्तानी छोड़ के टेस्ट और ODI को फोकस करें। ये बाबर के लिए जो इनका स्टेटमेंट है तो बड़ा हार्श, मगर ये रियलिटी है अली, इसको आप समझे, इसको आप पहले समझ लेते ना तो आप अपना टॉप ऑर्डर बनाते और T20 वर्ल्ड कप में जिस झंडे की ये बात कर रहे हैं उस अहल आदमी के साथ वो झंडा लगा होता। इनके तो अब तो डंडे की औकात रह गई है इनकी, जो जिस तरह की परफॉर्मेंस इनकी नजर आ रही है, तो झंडा हर उस आदमी पे सूट करेगा जो अहल होगा, जो टैलेंट होगा, जो सही रिप्रेजेंट करेगा। आप साजिशों को अगर इसी तरह प्रोटोकॉल देते रहेंगे और उनको इसी तरह छोड़ के रखेंगे तो आखिर में नतीजा यही निकलेगा कि बहुत सारे लोग, इसके मोहसिन के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं यार, हम तो घर बैठ के क्रिकेट अच्छा, देखते हैं, कोई नहीं खेल ले, हम तो उसके लिए तालियां बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं यार, पाकिस्तान के लिए जो खेले वो पाकिस्तान का अहल बच्चा होना चाहिए, हर उस बच्चे को इतने मौके मिलने चाहिए जितने इनको सबक सीखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मौके मिल रहे हैं यार। ठीक है तौसीफ भाई, ये पाकिस्तान की फिक्र गंभीर को क्यों हो रही है? सवाल तो ये है ना, पाकिस्तान की फिक्र वो कोहली को बोल रहे, ठीक है समझ में आता है, लेकिन ये बाबर आजम की फिक्र, पाकिस्तान की फिक्र एक ऐसे बंदे को कि जो उनका पॉलिटिक्स में भी बंदा है, कि जो इसका पाकिस्तान के प्लेयर के साथ भी एक लड़ाई रही है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो रहा है, उसको पाकिस्तान की फिक्र क्यों हो रही है? आपको निकालना पड़ेगी अंदर से चीज है, ये कहां से कहानियां चल रही हैं और क्या हो रहा है। फिक्र की बात है, देखे ना, ये मार्केट में गौतम गंभीर कहाँ मार्केट में है? कहीं कहीं भी नहीं है। एक दो बंदे आते हैं वो सिर्फ नहीं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि कोहली को टारगेट करूंगा तो मशहूर हो जाऊंगा, बाबर आजम को टारगेट करूंगा, उनका मुकाबला ये कर नहीं सकते। कोहली का मुकाबला क्या करेंगे वो यार, आप छोड़ देना, जितना टाइम में खेल लिए वो जितना खेल सकते थे खेल लिए, ठीक है, वो तनखी जिस बात पे भी कर रहा है वो उसकी अपनी वो जरूर है, बट हाँ ये जरूर है कि उसे हमें क्या, हमारी क्या फिक्र है, अपने को लड़ो ना, अपनों से ही लड़ रहे हो तो फिर हमारी तरफ आने की जरूरत ही नहीं है उनको, तो मेरा ख्याल है कि उसकी बात को इतना सीरियस नहीं। हाँ जहां तक आफरीदी की और वो बात है तो वो टसल तो बहुत काफी पुरानी है, तो वो टसल वो खुद ही निपट लें तो अच्छा ही। गौतम ने बैटिंग के ऊपर कहा है बाबर की, लेकिन वो सही है, आप बैटिंग में तो हम भी बात कर रहे हैं, बैटिंग में तो बात कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है वो जो IPL में जो कोहली की और गौतम गंभीर की एक लड़ाई हुई थी, हालांकि दोनों दिल्ली से खेले, लेकिन ऐसा लगता है पुरानी इन दोनों के दरमियान राइवलरी है, ये डेफिनेटली चलता हुआ रहा है। 2013 का जो IPL में इनका फड्डा था वो उस वक्त से चलता हुआ रहा है। और देखिए सिंपल सी बात है अली, कोहली अपना गौतम गंभीर जो है ना वो इनसिक्योरिटी की हरकतें
कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं वो इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं इस वक्त अगेंस्ट कोहली। जरूरत ही नहीं है वो कह रहे हैं जी कोहली ने पहले वो डीआरएस गलत लिया, उस पर शोर शराबा कर दिया, फिर उन्होंने कहा एशिया कप में गलत शॉट खेला था, फाइनल में जरूरत नहीं थी, अब फिर कह गए जी सूर्य कुमार की सबसे बड़ी इनिंग्स थी और उन्होंने कोहली की इनिंग्स को बिल्कुल जीरो कर दिया। देखिए आई थिंक ये पर्सनल वेंडेटा है, ये ना आपने उनको पता है कि भाई कोहली उनका स्टार है, उनको रेलेवेंट रहने के लिए, गंभीर को रेलेवेंट रहने के लिए उन्हें टॉप बैट्समैन पर अटैक किया हुआ है, वो जब करते हैं उन पर न्यूज में आ जाते हैं और उनका फिर चर्चा हो जाता है। तो आई थिंक कोहली का ये चैलेंज है। अच्छा ये बाबर आजम पे, बाबर आजम पे देखें, गौतम गंभीर ने जो बाबर आजम पे कमेंट किया, अगेन एक टॉपिकल इशू है राइट नाउ, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, उनकी सेल्फिश बैटिंग, उनकी कैप्टनसी के चैलेंजेस, पाकिस्तान के लॉसेस, इस वक्त टॉपिकल इशू है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं भी इसमें जाके कूद पड़ता हूं, हालांकि उनका कुछ है नहीं, वो इसमें भी कूद पड़े, तो दिस शोज कि वो इनसिक्योर आदमी है, नजर तो ये आ रहा है और हर जगह कूदने का शौक है ताकि वो रेलेवेंट रहे। अदरवाइज आई डोंट थिंक, मैं आपके बताता हूं, लेकिन साथ-साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया जो उनकी गुफ्तगु से मुझे याद आया कि अगर मेरे बस में होता तो मैं वसीम अनवकार के साथ एशिया कप पे कमेंट्री भी नहीं करता। तो वो सारे बड़े प्लेयर्स को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं? मुझे तो अब साइको केस नजर आने लगा है, जो ये बातें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो ये जवाब दे देना। हाँ मेरा ख्याल नफसियाती हो गए, वो जवाब दें जिनके लिए बोला है ना कि मैं ना करता कोई, वो भी तो बोले ना, वो भी तो बोल दें, वो बताएं, वो भी तो कोकेन लगाए हुए। हाँ तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो छोड़ दी यार, वो तो ये बोल रहे ना, वो जो बात आपने की ना, वो जो जो भी वसीम ने बात की है वो इससे, मैं तो उसको बहुत मतलब अप्रिशिएट करता हूँ, जो जिस चीज़ों की बात हो रही है। मेरे ख्याल के एक आदमी जो ऐसे माहौल में था और उसके बाद वो तो ऐसा क्यों नहीं करते, आज आप भी मशहूर हो जाए। नहीं मशहूर आपके नाम से, तो आपके नाम से तो शाह फैसल के अंदर इतना बड़ा सिगरेट स्टोर था, तौसीफ सिगरेट स्टोर, तो खाली सिगरेट थी ना। हाँ वो तो बेचने के लिए थी ना, तो सर वो तो आप 10 साल के बाद एक किताब लिखेंगे कि वो तौसीफ सिगरेट स्टोर नहीं था, वो ब्रैकेट में कुछ और भी था। नहीं यार बता देना, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, मैं तो अप्रिशिएट नहीं, लेकिन हम भी करना चाहते हैं। बात से तायद करता हूँ, देखें वसीम अकरम ने जिस वजह से भी कहा है, बुक बेचनी नहीं बेचनी अलग बात है, लेकिन वो एक रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। अगर वो कहते जी मेरी एक बुरी आदत थी, मैंने हार्ड वर्क करके उसको छोड़ दिया है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों के लिए एक लेसन भी हो सकता है, मॉडल भी हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आई थिंक इसमें भी कुछ ना कुछ निकाल लिया आपने।